हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास। तो ये मेरी डेंटिस्ट के पास की जाने की तैयारी है और यहाँ मैं पहुँच गई डेंटिस्ट के पास। तो यहाँ सा एक लिटिल सा गार्डन है, इतना प्यारा प्यारा फ्लावर है। और मेरा आज दांत का निकल गया पीन गाइस, अभी निकला नहीं, अभी पीन है, लेकिन बहुत से मुझे 80% हो चुका है। और ये आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर, बरसात के दिनों की यही अच्छी बात है कि फ्लावर्स के लिए इतना सुंदर रहता है कि मतलब बहुत ग्रोइंग करता है फ्लावर्स। और मुझे, आप यकीन मानिए, मुझे गार्डनिंग का इतना शौक़ है, क्योंकि आप तो मेरा गार्डन देख ही चुके हैं कि मेरे पास 300 तो ऊपर गमला है ही है कंफर्म। तो ये मैं गई थी थोड़ा सा ग्रॉसरी करने और अपना केक का ऑर्डर देने, बट मेरे जहाँ देने गई वहाँ पे केक का ये फॉफेशन वाला केक आर्ट नहीं होता। सो मेरा बर्थडे केक, मेरा बर्थडे है 26 जुलाई। मैंने कुछ कुछ बर्थडे मटेरियल ले लिए जो आप लोग को मैं दिखाऊंगी आगे के ब्लॉग में। मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, और यही मैं ब्लॉग इसलिए जल्दी कंटिन्यू कर लेती हूँ क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा ही लगने लगता। और ये मैं डेंटिस्ट के, मेरा क्लिनिक है जहाँ पे मैं, मेरा इस बार 9 तारीख को 8 महीना लग जाएगा दांत का। तो ये मेरा क्लिनिक है, यहीं पे सब मेडिसिन सब रहता है। तो फिर मैं थोड़ा सा गई थी कपड़े के दुकान में, तो यहाँ पे मैं जो सिलाई सीखती हूँ वहाँ पे कट पीस उस पीस के कपड़े पड़े थे। दुपट्टा एक ली हूँ, दुपट्टा एक येलो कलर में ली हूँ, और ये ब्लैक कलर का मुझे बहुत पसंद आया था। और ये 3 मीटर का था, 360 का था, तो मैं छोड़ दिया यहाँ से। वहाँ मैं टेलरगंज गई थी, टेलरगंज से कपड़ा उठाई, और ये मैं वहाँ फिर ग्रॉसरी कुछ कुछ लाई। तो यहाँ मैं समोसा, लिट्टी और यहाँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और आइसक्रीम वगैरह वगैरह और मिठाई सब निकाल उकाल के खाऊंगी अभी। तो गाइस आप लोग देखिए कि मैं क्या क्या शॉपिंग की थी, बहुत कुछ की थी, बहुत सारा सामान है बट आप लोग को दिखाना है। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लंबा ब्लॉग बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कम ही बनाना चाहती हूँ, आप लोग बोरिंग ना हो। और लंबा ब्लॉग कंटिन्यू करने में यूट्यूब पर अपलोड नहीं होता है। तो गाइस यार मेरा ये मतलब आज ही का, मतलब 1 जुलाई का ही मेरा ये ब्लॉग है। सो मेरी सुबह की नाश्ता ये हुई, मैं 10 बजे निकली थी 2 एप्पल खा के, और ये मेरा फेवरेट आइसक्रीम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी मेरा फेवरेट ही है। कपड़े टेलर का से आ गई, ये मेरा ब्लाउज था लहंगा का ब्लाउज, ये मेरा सूट है, और ये दुपट्टा येलो कलर का मैंने सूट की थी, थोड़ा थोड़ा बहुत क्लिप ऐड की थी। और ये यम्मी सा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, ये स्ट्रॉबेरी बहुत यम्मी लगता है। और कैडबरी का भी मिल रहा था बट वो 350 का मिल रहा था, एक्सपेंसिव, मैं नहीं ली क्योंकि मुझे डाइट करना था। तो यहाँ पे मेरे पापा लेके आए थे निमकी, उनकी जलेबी, तो मैं अपने पहुँच गई टेरिस पे जो मेरा फेवरेट है। और मैं कहीं से भी आती हूँ तो गार्डन का कुछ कुछ क्लिप करती हूँ, और मैं आज अपने गार्ड मतलब छत की अच्छे से मतलब अच्छा से मतलब सब चीज़ ठीक उग मिट्टी उट्टी एकदम बनिया से जस्ट एडजस्ट करना। आप जहाँ रहते हो वहाँ पर आप सरियाओगे नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी गिरा हुआ था। और एक दिन मेरा जो स्टाफ आएगा उससे मैं पूरा अपना बालकनी जो है पीछे आप गंदगी देख रहे हैं वो हटा दूँगी, मेरा टेरिस पे एक भी गंदा नहीं दिखेगा, 3 तल्ला पे भी मेरा कुछ गंदी नहीं है। और मेरा 3 फ्लोर है गाइस, तीनों पे मैं बहुत मेहनत करती हूँ, एक एक पौधे को एकदम रीच कर बड़ा करना, छोटे से बड़ा करना पौधे को, एक इंसान को बड़े करने जैसा। और मैंने इतने सारे पौधे को मेरे 300-400 में मैंने गमले लगाए मैं अपने टेरिस पर। और मैं दिन महीने में 10 दिन तो 10 दिन ही मैं 5 दिन इन लोग पर फोकस करती ही करती हूँ। डेली पानी तो नहीं, और हफ्ते में 2 दिन पानी देना पॉसिबल, क्योंकि मेरे पास भी बहुत काम है। और ये अभी मेरा रात का डिनर है, पनीर पराठा स्टफ और सत्तू पराठा, और यही सब है गाइज जो है। सो गाइज आपको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग, ये बहुत अच्छा ब्लॉग है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे 10K जल्दी 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 हो जाए, इंशाल्लाह मेरा YouTube मोनेटाइज हो जाए और मैं YouTube पे लाख हो, मिलियन हो, बहुत व्यू आए, करोड़ हो,
और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर होगा। मेहनत जो करता है उसके लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं है, आप अपना मेहनत करो, काम खुद दिखा देता है कि कितना मेहनत है कितना नहीं मेहनत है। सो गाइड गुड नाइट, टेक केयर एंड 1st जुलाई हैप्पी जुलाई, और दिस इज़ माई बर्थडे मंथ एंड सावन। यूजुअली जुलाई लाइक अ फेस्टिवल टू मी, एवरी वन इज़ महादेव। जय जय भोलेनाथ।